बेकार पिक्चर है। गाने सर हाउस गाने क्या है, ढल 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 हाउस है। आपको पिक्चर के बारे में हीरो हीरोइन का काम, हीरो के हमने बाहर रखे हुए हैं, उसने देशभक्त ने बाहर रखे हुए अच्छे, और हीरोइन का हीरो कोई नहीं है ना, नरगिस पकड़ी बेकार है। वेरी नाइस पिक्चर, अच्छी लगी, एकदम फाड़ू था यार, फाड़ू पिक्चर बहुत बड़े हैं, बड़े हैं। पिक्चर कैसी लगी? एक नंबर, एक नंबर भाई। भाई कैसी लगी पिक्चर? बकवास है, बकवास है अंकल। कैसी? सुपर हिट, सुपर हिट, सुपर हिट, मस्त, एक नंबर। ओके, म्यूजिक अच्छा है, सही था पिक्चर, अच्छा है अभी तक। छोटे कैसी लगी पहले? मस्त है, कैसी लगी पिक्चर? बहुत बढ़िया, सुपर सुपर जी, मूवी एवरेज। बहुत अच्छी भाई, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। हाँ, म्यूजिक भी बहुत अच्छा है, ठीक है। अरे उसका एक्टिंग अच्छा नहीं है यार। अच्छा है, अच्छा, वेरी गुड, नाइस नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग मैन, एंड एंजॉय द म्यूजिक साउंड, द साउंड दैट आई क्रिएटेड वेरी ब्यूटीफुल। एक्टर रितेश सर हैज एक्टेड वेरी वेल, इज अ लॉन्ग हेयर्स वेरी वेल एंड ही इज द बेस्ट। अरे बहुत अच्छी थी यार, बहुत अच्छी थी, रितेश की अच्छी थी, बाकी म्यूजिक ठीक था। आपको कैसी लगी? बहुत बहुत अच्छा फिल्म था। बैंजो, बैंजो तुम भी सीखना चाहते हो? नहीं यार, गुड। कैसी लगी पिक्चर? बहुत अच्छी थी, बैंजो सुपर, म्यूजिक म्यूजिक वाज द बेस्ट, द लास्ट सॉन्ग इज अमेजिंग। एक्टिंग एक्टिंग वाइज एक्टर्स कैसे? रितेश बहुत सुपर था। 5 में से कितना स्टार? 5 में से 3.5। कैसी लगी बैंजो? ठीक ठाक ही है, ठीक ठाक है। म्यूजिक? म्यूजिक भी सही है। 5 में से कितना स्टार है? 3। मैडम आपको अच्छी लगी? अच्छी लगी। एक्टिंग किसकी अच्छी? नरगिस पकड़ी की अच्छी थी, रितेश देशमुख की ज्यादा अच्छी थी। 5 में से कितना स्टार है? 4। ऑसम मूवी, एक्टिंग रितेश देशमुख, स्पेशली धर्मेश की भी अच्छी थी, बट रितेश देशमुख वाज कोई डायलॉग, डायलॉग तो अभी कैसे बता सकती हूँ मैं। म्यूजिक गाने सब अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे गाने। 4। ऑसम ऑसम, अच्छी मूवी थी। सीखना चाहोगे बैंजो? तुम भी बनोगे बैंजो? मैं तो बजाता हूँ गणपति में। हाँ, तो वो म्यूजिक कैसी थी? म्यूजिक ऑसम थी, राडा राडा बप्पा मोरिया। कोई डायलॉग? डायलॉग तो याद नहीं आ रहा, बट होता ना, जिंदगी दो मौके देती है, एक तो जिंदगी के साथ चलो, कुछ ऐसा तो था, याद नहीं आ रहा है, बट अच्छा था मूवी। 4 स्टार 4। कैसी लगी भाई? अच्छी लगी, अच्छी लगी, अच्छी। क्या अच्छा लगा? बेकार पिक्चर है, खाली म्यूजिक अच्छा है और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, म्यूजिक अच्छा है, एक्टिंग क्या की है देशमुख ने, पिक्चर बनाई है, पैसा खर्चा किया, फालतू का है। एक नंबर स्टोरी है नहीं इसके अंदर, क्या स्टोरी है बताइए, खाली म्यूजिक अच्छा है, उसमें मानता हूँ मैं, म्यूजिक फर्स्ट क्लास था, कुछ नहीं है। कोई डायलॉग? डायलॉग क्या है, कुछ भी नहीं, खाली म्यूजिक अच्छा है और कुछ नहीं है। कौन सा गाना आपको अच्छा लगा? गाना अंदर में पता लगता है, बाहर में नहीं पता लगता। डायलॉग अच्छा नहीं, डायलॉग मारूंगा नहीं तेरी बजा के जाऊंगा। बोलिए ना डायलॉग अगर आपके। 5 में से कितना स्टार लोगे? 1। बैंजो पिक्चर एवरेज है, रितेश धर्मेश और बाकी दो लड़के, उन्होंने काम सबने अच्छा किया है, मतलब टाइम पास है पिक्चर, उतनी अच्छी पिक्चर नहीं है लेकिन टाइम पास है। तो जो बोलते हैं रैक्स टू रिचेस वैसी स्टोरी है, कुछ नयापन नहीं है लेकिन म्यूजिक अच्छा है पिक्चर का, ये देखने में मज़ा आता है। म्यूजिक अच्छा है, हाँ म्यूजिक सब गाने सब अच्छे, वो गणपति का जो गाना है वो अच्छा है, और ये दूसरा जो राड़ा वाला सॉन्ग है वो भी बहुत अच्छा है, और जो लास्ट में जो गाना था वो भी बहुत अच्छा है, और रितेश देशमुख ने परफॉर्म किया है, मतलब रॉक स्टार लगते हो, और उनका लुक भी बहुत अच्छा दिया है। नरगिस फकरी मुझे ठीक ठाक लगी, उतनी कुछ खास नहीं लगी, उनका जो डायलॉग्स इंग्लिश में जो सभी ऑडियंस को समझ में नहीं आएगा, लेकिन ओवरऑल पिक्चर अच्छा है, मजा आएगी, नॉट ग्रेट नॉट बैड ऑल्सो। धर्मेश की कॉमेडी अच्छी है, और दूसरे दो लड़के उनका नाम मुझे पता नहीं, उनकी कॉमेडी भी अच्छी है, और रितेश ने अच्छा काम किया है। 5 में से 3 स्टार। जो लास्ट में जो रितेश जिसमें जो डायलॉग मारता है कि मैं तुझे मारूंगा नहीं,
तेरी बजा के जाऊंगा, मतलब वो डायलॉग काफ़ी अच्छा है पिक्चर में। और उसके बाद जो परफॉर्म करते हैं तो वाकई में बजा के जाते हो, तो नॉट बैड। बैंजो उस जमाने मुझे तो याद है, बैंजो लोग बजाते थे, मेरा दोस्त भी बजाता था, लेकिन अभी लोग भूल गए कि बैंजो क्या है, जो इंस्ट्रूमेंट था वो। तो इस फिल्म में अच्छा बताया एक ये, और प्लस कि बैंजो वाले भी उस लेवल पर जा सकते हैं, बैंजो वाले भी उस लेवल में जा सकते वो बताया। तो ओके, वन टाइम वॉच है। धर्मेश की कॉमेडी बहुत अच्छी है, जो इंग्लिश बोलते हैं तो कॉमेडी अच्छा लगता है, और बार बार बोलता है कि मैं समझ गया। क्या समझा? मतलब भाई तराट ने जो बोला मतलब अच्छा ही होगा, जो भी बोला वो एक डायलॉग अच्छा है। और एक डायलॉग बहुत बढ़िया है जो बार बार बोलते हैं मैं टॉयलेट करके आता हूँ, तो समझो मारा मार करने का, लेकिन नरगिस फकीर समझते नहीं कि क्या है। एक बार रियल में उसके टॉयलेट आता है तो ये नरगिस बोलते मैं भी आता हूँ, अरे बोलते हैं नहीं मुझे टॉयलेट जाना रियल में, अब आती है क्या? वो डायलॉग बड़ा है, कॉमेडी कॉमेडी लगता है। म्यूज़िक ठीक है, ओके। गणपति का सीज़न है और गणपति के टाइम भी पिक्चर आई, वो म्यूज़िक भी अच्छा था, डांस वगैरह उसका जो हेयर स्टाइल, जो लोकल मतलब मुंबई का लोकल स्लम की कहानी है, और बढ़िया बताया। ओके, रितेश देशमुख की जो एंट्री बताई स्टार्ट में, एक एंट्री बताई वो रॉक ऑन टाइप थी, वो एकदम जोश में। और सेकेंड एंट्री जो था ना लाजवाब थी, एक बच्चा गटर में गिरा है उसको निकालता है फिर उसको बाहर आराम से आते, पूरा गंदा हो गया एकदम काला काला, वो एंट्री बढ़िया थी उसकी, एकदम लोकल झोपड़पट्टी में। गाना गणपति गाना बहुत अच्छा है, 5 में से 3, 3.5। एक्टर्स धर्मेश, रितेश, नरगिस, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। बाकी रोमांस की कमी है, पर रोमांस की ज़रूरत भी नहीं थी इसमें, कि स्टोरी ऐसी थी। तो बैंजो, यस, जैसे लोगों ने भी कह दिया कि भाई रोमांस की कमी है, वो हम जानते हैं, क्योंकि रितेश देशमुख एक मिनिस्टर का बेटा है, ये हम सोच समझ के आते हैं कि चुमा चाटी और रोमांस नहीं होगा। वैसे स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले, म्यूज़िक, परफॉर्मेंस, हर एक बात अच्छी है। आप देखिए पिक्चर को, 2 घंटे 12 मिनट की पिक्चर है, और कहीं भी आपको बोर होने का वक्त नहीं मिलेगा, ठीक है। और नरगिस फाकरी एक बार अपनी माँ से टेलीफोन पे बात कर रही है, एंड इमोशनली द सीन आई लाइक्ड, उसको बेचारी को रोना सा आ जाता है, सामने वाली माँ उसकी समझ भी जाती है कि रो रही है, कहती है नहीं मम्मा मैं कहाँ रो रही हूँ, ये लोग बड़े अच्छे हैं, मुझे अच्छी तरह ट्रीट करते हैं वगैरह वगैरह, यू नो, कुछ भी मतलब उनको गालियाँ वालियाँ थोड़ी दी जाती हैं, मतलब जो स्पॉन्सर्स है वगैरह वगैरह उसकी इंसल्ट करते हैं बेचारी की, लेकिन फिर भी क्योंकि उसके दिल में जोश है और अपना इरादा, जिस इरादे से वो अमेरिका से बॉम्बे आई है वो उसको पूरा करना है। एक्टिंग, यस, एवरीवन, नरगिस फाकरी जैसे, यू नो, कास्टिंग इज परफेक्ट। मैं डायरेक्टर रवि यादव को सलाम करता हूँ, रवि यादव को मैं सलाम करता हूँ। आई थिंक ही इज़ डेब्यू डायरेक्टर, मेरे ख्याल से ये पहली बार डायरेक्शन कर रहा है, लेकिन सुपर्बली ही हैज डायरेक्टेड द पिक्चर। हर एक आर्टिस्ट ने उसने काम लिया है, दिल खोल के काम लिया है, और हर एक आर्टिस्ट ने भी मतलब यू नो अपनी ओर से जैसे यू नो जान डाल दिए, जैसे पिक्चर में परफॉर्मेंस में जान डाल दी है। टपोरी लैंग्वेज, यस, दैट अगेन यू नो इट्स अ प्लस पॉइंट यू कैन से, बिकॉज फ्रंट बेंचर्स के लिए मतलब यू नो एक स्टॉल में बैठे हुए लोग जो मासेस हम कहते हैं, तो उनकी लैंग्वेज में जैसे बात की गई है, तो इट्स अ प्लस पॉइंट। बट दिस इज वन पिक्चर आई कैन से इट इज़ मेंट फॉर द मासेस एंड क्लासेस। बहुत अच्छी पिक्चर है, यस, स्टार्ट पिक्चर ने स्लो ली है क्योंकि रितेश देशमुख सोलो है यहाँ पर। वैसे तो मतलब 2-3 आर्टिस्ट 2-3 हीरोज़ के साथ साथ आता है तो चलो वन अमंग द थ्री, बट यहाँ पर तो वो अपने कंधों पर पिक्चर ले आया है। कास्ट पूछेंगे तो रितेश देशमुख और नरगिस फाकरी, इजेंट इट, तो मतलब यू नो, और फिर 2 पिक्चरें हैं आज, आज एक दूसरी भी एक 8 पिक्चर है जो राधिका आपने की, पांच, यस, तो दैट इज यू नो वन वे लाइक यू नो थोड़ा सा मतलब ड्रॉबैक हो जाता है दोनों पिक्चरों के लिए। स्टोरी के बारे में, यस, दे आर मतलब यू नो इनका एक ग्रुप है, पिक्चर बैंजो देखते देखते मुझे कितनी बार अभिषेक कपूर की रॉक ऑन याद आ गई। इनका एक ग्रुप है जो मतलब यू नो बैंजो बजाते हैं, मेन इंस्ट्रूमेंट है बैंजो, जो मतलब ये लोग समझते हैं कि भाई कुछ यू नो एक ऑर्डिनरी सा इंस्ट्रूमेंट है, और किसी को बताते हुए उनको शर्म सी आ जाती है,
ओके तो बताना नहीं चाहते कि हम लोग बैंजो प्लेयर्स हैं, हमारी टीम है, हम लोग कुछ गाने बनाना चाहते हैं कि वगैरह वगैरह। लेकिन नरगिस फाकरी जब अमेरिका से आती है उसको एक बैंजो प्लेयर की ही तलाश है, लेकिन ये लोग अपनी आइडेंटिटी बताना नहीं चाहते कि भाई हम ही हैं वहाँ पर, यू नो, बिकॉज रितेश देशमुख फॉल्स इन लव विथ नरगिस फाकरी और उसको ऐसा लगता है कि हम अगर इसको ये बता देंगे, अगर मैं उसे ये बता दूंगा कि भाई मैं बैंजो बजाता हूँ तो शायद मेरे प्यार की बात लग जाएगी, अनसेंड। लेकिन फिर उसको पता तब चलता है कि भाई इसी की तलाश में, रितेश देशमुख की ही तलाश में नरगिस फाकरी अमेरिका से आई हुई है, तब जाके मतलब यू नो सॉर्ट ऑफ अपना यू नो रियल ये बता देता है। इनफैक्ट शी हैज़ लाइक्ड इट, इनफैक्ट उसको अच्छा लगा क्योंकि इसी को मिलने के लिए वो अमेरिका से बॉम्बे आई हुई है। और फिर उनका मतलब यू नो सॉर्ट ऑफ ग्रुप बन जाना और फिर उनको सिलेक्ट किया गया वगैरह वगैरह, यू नो दे आर द विनर्स, मतलब यू नो जीत होती है उनकी, दिस इज़ हाउ द स्टोरी गोज। और फिर जैसे मैंने कहा कि भाई कितनी बार बैंजो देखते देखते मुझे अभिषेक कपूर की रॉक ऑन याद आ गई, पाँच में से मैं चार दे दूंगा आराम से।